फ्रेंड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नतीजे आने के बाद शेयर में 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि नतीजे बाज़ार को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। और ओवरऑल इस नतीजे की बात करें तो पिछले साल 1275 करोड़ के आसपास की कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट की थी, वो इस साल 200 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर 1487 करोड़ हो गई। और प्रॉफिट जो पिछले साल 9 करोड़ के आसपास था, वो लगभग 10 गुना होकर 98 करोड़ हो गया। तो इसी वजह से बाज़ार को यह नतीजे पसंद आ रहे, क्योंकि ओवरऑल मार्जिन में सुधार देखने को मिल रहा है और ये ही बाज़ार को पसंद आने का मेन कारण है। और इसके सेगमेंट वाइज रिजल्ट की बात करें, कहाँ से ये प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, किस जगह पर कंपनी के मार्जिन अच्छे हुए, तो आप यह देख सकते हो सेगमेंट वाइज रिजल्ट में। फ्रेंड, कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो पिछले साल 860 करोड़ के आसपास की सेल थी, वो 1152 करोड़ हो गई। तो ये बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट है हमारे भारतीय शेयर बाज़ार में और इसको बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन भी मिलती है। तो वहाँ पर ही बहुत ही अच्छी रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है, इसी के कारण भी बाज़ार को नतीजे पसंद आ रहे हो। और इसके अलावा ईपीसी सेगमेंट में डी ग्रोथ हुई है। और फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट को आप प्रॉफिट में देख सकते हो, जो पिछले साल 66 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो इस साल 2 गुना हो गए और 142 करोड़ आए। तो इसी वजह से बाज़ार को यह नतीजे बहुत ही पसंद आ रहे हैं।